पुलिस ने बजरंग दल नेता विशाल उर्फ एकॉन रायकोटी के दो हत्यारोपियों को ठेला नदी के किनारे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ठाकुर द्वारा के बाल्मीकि बस्ती निवासी विशाल की रविवार की सुबह मोहल्ले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर विशाल के पिता मुकेश विकट ने पीसियापुरा पदार्थ निवासी बिलाल अहमद, कमालपुरी खालसा निवासी हिस्ट्री शीटर अतुल शर्मा और रतुपुरा निवासी गोलू माफिया के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के बाद जहां परिजनों ने मुरादाबाद हाईवे पर जाम लगाया, तो वहीं खुलासा नहीं होने पर सफाई कर्मी संगठन समेत अन्य संगठनों ने आंदोलन और सफाई ठप करने की चेतावनी दी। पुलिस ने गोलू को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने अतुल शर्मा और बिलाल की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों को लगाया था। 2022 को थाना ठाकुर द्वारा में एक घटना हुई थी, जिसमें विशाल नाम के व्यक्ति को बिलाल नाम के व्यक्ति और अन्य कुछ लोगों के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसका मीडिया के द्वारा भी कवरेज किया गया और काफ़ी सनसनीखेज तरह की घटना थी। इसी घटना में जो बाद में वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें एक का नाम बिलाल है, दूसरा अतुल शर्मा है और तीसरा गोलू के नाम से 3 लोगों को नामजद किया गया था। कुछ अज्ञात लोग बताए गए थे। इसी घटना की जो वांछित अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया था और आज सुबह ये सूचना मिली थी कि इसमें से बिलाल और जो अतुल शर्मा है, इनकी सूचना थी कि जो ढेला नदी है इसके पास में, गणेशपुर के पास में इनके जाने की सूचना थी। इसी पे हमारी जो एसएसपी टीम है और हमारी थाना ठाकुर द्वारा की टीम और क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा के द्वारा इन सबकी घेराबंदी की गई और काफ़ी प्रयास के बाद में इनके जो लोकेट हुए रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिसमें हमारे एक सोनपाल नाम के सब इंस्पेक्टर है उनको हाथ में चोट भी लगी है और इसी में बचावी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा इन पर जवाबी फायर किया गया, जिसमें बिलाल है इनको पैर में गोली लगी और जो अतुल शर्मा है उनको भी गोली लगी और मुठभेड़ के बाद में इनकी गिरफ्तारी की गई और इनको गिरफ्तार करके अभी CSC भोजपुर में लाया गया है और अभी इनका मेरे द्वारा अभी डॉक्टर से भी पूछताछ की गई, इनका मुआयना भी किया गया, जिसमें कि इनकी हालत अभी ठीक है और इनका इलाज कराया जा रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। सर, इन दोनों अभियुक्तों पर पहले मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम किया गया था और DIG रेंज महोदय के द्वारा भी इन पे इनाम किया गया कि 50,000 का इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर इनाम। सर, क्या कारण हुए ये कुछ अभी पता लगा है इसे बातचीत में किन कारणों को लेके ये हत्या इनके द्वारा की गई? अभी तक की जो जानकारी इनके द्वारा जो अभी जो इनसे पूछताछ की गई है उसमें ये जानकारी मिली कि इनमें आपस में पहले किसी बात को लेकर अनबन थी और इसी पर जो बिलाल नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा इस घटना को प्लान करके घटना प्लान की गई पहले और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। जो अतुल शर्मा है उनका भी इसमें इनके द्वारा सहयोग किया गया था, इन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। सर, किस तरीके के अपराध इनके ऊपर दोनों के ऊपर दर्ज हैं, कुछ मामले अपराध? देखिए, जो अतुल शर्मा है इसके ऊपर करीब 21 मुकदमे हैं, जिसमें चोरी, मारपीट और NDPS और गैंग स्ट्राइक के मुकदमे हैं और जो दूसरा अभियुक्त है उसके विरुद्ध भी 323, 504, 452 और 506 IPC का मुकदमा इसके विरुद्ध है। और जो अतुल शर्मा है वो HS है और जो बिलाल है उसके विरुद्ध एक मुकदमा पहले से मारपीट का। पुलिस टीमों ने भोजपुर थाना क्षेत्र में ठेला नदी के पुल के निकट अतुल शर्मा और बिलाल को घेर लिया। इस पर दोनों बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी, इसमें एक उपनिरीक्षक जख्मी हो गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर दोनों को घेर कर पकड़ लिया, पैरों में गोली लगी है। वहीं गिरफ्तार बदमाशों को भोजपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए।